नमस्ते, मेरा नाम शशांक यसवाल है और मेरी मॉडल का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, अली कल्चर रूम। और मेरे स्कूल का नाम है बंगाटोर इंटर कॉलेज वाराणसी। मेरा क्लास 8B है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे मॉडल का नाम है एग्रीकल्चर ड्रोन। इसके नाम के पहले यहाँ जा रहा है कृषि ड्रोन। तो पहले मैं मॉडल के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर मॉडल को आपको चला के दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वर्तमान समय में किसान बहुत बड़े बड़े मशीनों को इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा, समय, धन ज़्यादा जाता है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ड्रोन बनाया है, जिसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और इसकी समय भी ज़्यादा नहीं आता है, इसके अंदर ऊर्जा भी इसमें ज़्यादा नहीं खर्चा होगा, क्योंकि इसके अंदर सोलर पैनल लगा है, जिससे हमारे बैटरी, जो ड्रोन की बैटरी, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी, जिससे हमारे किसानों को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका कार्य मैं बता देता हूँ। पानी और कीटनाशक दवाओं को स्प्रे करता है ये, इससे अब हम लोग ये किसान करते हैं छिड़काव, ये वो कर देता है। कीटनाशक दवाओं का हम लोग किसान जो छिड़काव करते हैं, वहीं कहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है, सब प्रॉब्लम होते हैं। उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इसके अंदर लगाया है, इसके अंदर पानी छिड़कने का, और इसके अंदर खाद और बीज, मतलब खाद हमारे किसान छिड़कते हैं, कहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है, सब प्रॉब्लम अनेक प्रकार की होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसके अंदर खाद डालने के लिए, और धान की खेती, मतलब चावल की खेती की जाती है, धान का छिड़काव किया जाता है, चावल की खेती में धान का बीज, तो उसके अंदर धान भी छिड़क सकते हैं। और बड़े बड़े फसलों में, मतलब जैसे हमारे गन्ना हो गया, गन्ने में अंदर नील गाय बहुत सारी आती हैं, नष्ट कर लेती हैं हम लोग के, उसके अंदर मैंने सेंसर लगाया, PIR सेंसर, जिस सहायता से हम लोग ये जानवरों और इंसान दोनों को डिटेक्ट कर सकता है, और इसके अंदर अलार्म और लाइट दोनों बढ़ने लगेगा, जिससे किसान कैमरा में देख के हमारे पता चल जाएगा कि किस साइड है, किस साइड नहीं है। अभी मैंने इसमें कैमरा नहीं लगाया है, ये बता देता हूँ। और इसके अंदर LDR सर्किट लगाया गया, जिसका कार्य हम लोग देर रात तक कर रहे हैं, तो अंधेरा होने लग रहा है, तो अंधेरा होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक लाइट ऑन होगा, और ज़्यादा देर तक कार्य कर रहे हैं, दिन होने लगा, दिन तो हाल होगा नहीं, पर दिन होने लगा तो उसके अंदर LDR लाइट बंद हो जाएगा। और अगर हम लोग किसान ये अपना कार्य कर रहे हैं ड्रोन, तो किसान किसी काम में व्यस्त हो, तो इसके अंदर मैंने रेन अलार्म भी लगाया, अगर इसके ऊपर पानी ही, अगर बारिश स्टार्ट होती है तो पहले धीमे धीमे होती है, उसके अंदर पानी इस साइड गिरेगा तो इसके अंदर अलार्म लाइट दोनों स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अभी इसको आपको चला के दिखाना चाह रहे हैं। इसके अंदर पहले मैं वाटर वाला दिखाने आना हूँ, मैं पानी भर रहा हूँ। और इसका मोटर पंप मैं ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार पानी का छिड़काव करेगा, कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करेगा, हमारे किसानों को फायदा हो जाएगा कि ऐसे चारों तरफ कर देगा। अभी इतने ही जगह पे बहुत ज़्यादा पानी छिड़ रहा है, तो बड़े जगहों पर और छिड़ सकता है। प्लस अब खाद का मैं आपको दिखाने वाला था, तो मैं इसके अंदर खाद वाला डाल के दिखा रहा हूँ। पहले मैं इसका मोटर चालू कर दे रहा हूँ। मोटर ये है, जिसके अंदर हम लोग खाद बीज दोनों डाल सकते हैं। अभी मैं खाद के लिए डाल रहा हूँ, मैं खाद ले आऊँ, हाथ से डाल रहा हूँ, डाला, ये घुमा घुमा के ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमा घुमा के फेंक रहा है। इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, इसके यहाँ पंखी भी लगा हुआ है, इसे घुमा घुमा के फेंकेगा, ये घुमा घुमा के फेंक रहा है, दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पर ये घुमा घुमा के फेंक रहा है हमारा। इसी कहते हैं हम लोग बीज ये सब डाल इसके अंदर डालेंगे, घुमा घुमा के ऐसे ऐसे इस जगह से आ रहे हैं। ठीक, अब इसको दूसरा को बताना चाह रहा हूँ। LDR लाइट वाला जो मैंने बताया था, LDR वाला लाइट वाला ये है। देखिए, लाइट ऑन हो गया, क्योंकि इधर इस समय अंधेरा है, इस समय इधर अंधेरा है, तो इसके अंदर जैसा ही प्रकाश पड़ेगा, इसके अंदर LDR लाइट का सर्किट आपने देखते ही होगा, इसके अंदर जैसे ही प्रकाश हल्का का पड़ रहा है, देखिए बंद होते जा रहा है, इसी प्रकार इसके अंदर प्रकाश हम लोग का लाइट ऑन है, इसी प्रकार पड़ रहा है प्रकाश, तो हम लोग का लाइट बंद होते जा रहा है। और आपको रेन अलार्म वाला था, तो रेन अलार्म वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मैं तार लगा देता हूँ रेन अलार्म की। हल्का सा पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर गिराने के लिए। इसका सर्किट थोड़ा तार लूज हो गया, जैसे बजने लगा,
ज़्यादा पानी बढ़ेगा, अभी एक बूंद तो बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी मेरा जिस जगह पे जाना था उस जगह पे गया नहीं है, इसलिए अभी अलार्म बज रहा है, इसी के प्रकार बजेगा। और आप उस सेंसर की बात बताने वाले थे जो जानवरों को डिटेक्ट करता है, उससे हमारे किसानों को बहुत सारा फायदा होगा। तो जानवरों को डिटेक्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर PIR सेंसर को आप जानते ही होंगे, जो जानवर और इंसान दोनों को डिटेक्ट करता है। उसके अंदर पहले मैं लगा देता हूँ बैटरी अपना, पहले इसका वॉल्यूम पहले स्टार्ट होता है कि ये ऑन हो गया है, जैसे अभी कार्य करेंगे तो ऑन हो जाएगा, अगर हम मिलेंगे तो डिटेक्ट कर लेगा। इसका मतलब उसका मीटर 150 मीटर रहता है, अभी ये 10 मीटर कार्य कर रहा है, तो ये अभी दिखा देंगे आपको, ये सेंस कर लिया। फिर अभी मैं रुक देता हूँ कि अगर ये रिकॉर्ड है तो अभी मैं रुका हुआ है, हिलूंगा नहीं, अभी डिटेक्ट कर लेगा। अभी अपना माइंड जो है वो अंदर बजर लाइट ये सब माइंड में दे रहा है, तो इस प्रकार अभी टाइम लग रहा है इसको अभी, क्योंकि अभी आपको साइलेंस दिया है इसलिए उसको लग रहा है ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए अभी इसी प्रकार बजेगा। वो बैटरी निकल गया था मेरा, इसका नंबर बच गया, इसी प्रकार चलेगा। ये देखिए मेरा बैटरी लूज़ हो गया था, इसे निकल गया है। अब ये ड्रोन है तो इसको उड़ाने की बारी आती है, तो इसको उड़ाने के लिए मैंने इसके अंदर लगाया ड्रोन ट्रांसमीटर, तो इसकी सहायता से ये उड़ेगा। मैंने इसके ट्रांसमीटर का ये जो है लाइट मैंने अभी बैटरी मैंने चालू कर दिया, इसमें रेड रेड लाइट दिख रहा होगा कैमरे में शायद, और इसमें रिमोट का लाइट मैंने ऑन कर दिया है। अब देखिएगा मैंने रिकॉर्ड भी किया है, इसी प्रकार चालू चलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो इस कारण मैं उड़ा नहीं सका हूँ, जब इसका थोड़ा वेट कम था तो ये उड़ रहा था, थोड़ा वेट कम था तो ये उड़ रहा था, इस समय ये उड़ नहीं रहा क्योंकि इसका थोड़ा वेट है, क्योंकि इसका लोकल मोटर लगा हुआ है, मैं बिग बॉस दिखाने के लिए यूज़ किया था। और प्लस आपको ये भी दिखा देता हूँ मेरा मेन चीज़, मेरा ये कोहरे से पानी बनाता है, मतलब जैसे आप ठंडी के दिनों में देखते ही होंगे आप, इस समय ठंडी चल भी रहे हैं तो पत्तियों में पानी जमा हो जाता है, तो बूंद के रूप में गिरता है, तो ये मेटल है पानी सूखेगा नहीं कोहरे को, कोहरा एक जगह बनते उसके अंदर पानी के रूप में बदल जाएगा, जिस पानी का उपयोग हम लोग पाइपलाइन द्वारा अपने घर में पानी पीने के लिए कर सकते हैं, किसी और काम में हम लोग कर सकते हैं उस पानी का उपयोग। इसी प्रकार मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, एक खूब पराली जो होता है हमारे खेतों में रहता है, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये ड्रोन से है ही नहीं, तो मैंने पराली को बनाने के लिए मैं ये आधा बना हुआ है, और पराली को उड़ाने के लिए इस प्रकार है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा होगा ये ऊपर नीचे करता इस साइड जाएगा तो पराली इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर जाएगा। पराली का बहुत सारा उपयोग है, इस समय मशरूम के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, तो हम लोग के किसान पराली को जला देते हैं, वेस्ट हो जाता है, तो इससे हम बढ़िया हम लोग मशरूम का बिजनेस ऑन कर सकते हैं किसान लोग। और इसी प्रकार मैंने ये फाइल भी बनाया अपने ड्रोन के, ये मेरे साथ फ़ोटो है, ये एग्रीकल्चर ड्रोन का फ़ोटो भी है, प्लस इसमें ये मेरा है फाइल, इसमें बनाने की विधि सारी लिखी हुई है, हमारे किसान देख के मतलब इसे सीख भी सकते हैं, नया चीज़ें हमारे किसान नहीं जानते होंगे तो इसको सीख भी सकते हैं हमारे किसान। इसी प्रकार मेरा ये ड्रोन है, ऐसे साथ इसी प्रकार हमारे साथ और सभी चीज़ें हैं जो वीडियो में मैं दिखा नहीं सका, तो इसी प्रकार मेरा ड्रोन का ख़त्म होता है। और जैसे ही मुझे आइडिया आता रहेगा, और इसका आइडिया मुझे किताबों से आया है, बहुत सारी चीज़ों से, और हमारे विद्यालय से, हमारे शिक्षकों से, और मेरे मित्रों से, इस प्रकार हमें आइडिया आया है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ।